सो हेलो फ्रेंड, तो पिछले वीडियो में हम लोग ने एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था जो कि बॉयलर एक्सप्लोजन के बारे में था। उस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि ये जो बॉयलर एक्सप्लोजन होता है उसके क्या रीजन होते हैं, क्या उसका इफेक्ट्स पड़ता है और इसका क्या प्रिवेंशन या क्या एक्शन लिया जाता है। और उसमें हम लोग ने देखा था कि कई सारे रीजन थे जिनमें मेन रीजन जो था वो CO के कारण ही होता था, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ही, जो कि काफ़ी एक्सप्लोजिव गैस होता है। और ज़्यादातर जो मैक्सिमम जो आपके बॉयलर एक्सप्लोजन होते हैं वो इसी CO गैस के कारण होते हैं। और आए दिन आपका बॉयलर की सेफ्टी को देखते हुए उसमें तरह तरह के इम्प्लीमेंट किए जाते हैं जिनमें तरह तरह के सेफ्टी डिवाइस लगाए जाते हैं। उन्हीं सेफ्टी डिवाइसों में से एक सेफ्टी डिवाइस की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे जिसका नाम है CO वेंट या एयर ब्लीड वाल्व, जिसको कहीं एयर रिलीज वाल्व भी कहा जाता है या ब्लीड ऑफ वाल्व भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो CO वेंट जो होता है वो क्या होता है, कहाँ लगा होता है, क्यों लगा होता है, क्या इसका पर्पज होता है, कैसे ही हमारे बॉयलर एक्सप्लोजन को होने से बचाता है। इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, चाहे वो ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो बॉयलर की सेफ्टी के नजरिए से हो। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो एयर ब्लीड वाल्व या CO वेंट, तो देखिए ये हम लोग जो यहाँ पे टॉपिक को डिस्कशन करेंगे ये CABC बॉयलर से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। जो CABC बॉयलर होता है उसमें यदि आप देखेंगे तो ये जो CO वेंट होता है वो या तो आपका APA जो आउटलेट होता है उस डक्ट में लगा होगा, जो एयरलाइन का आपका ये APA से जो आउट होता है वो यहीं पर आपका लगा हुआ हो सकता है, जिसको वहाँ पे CO वेंट बोलते हैं। या आप यदि हॉट साइक्लोन टाइप के अगर बॉयलर देखेंगे, मैक्सिमम केसेस में आपका जो विंड बॉक्स होता है उसी में आपका एयर ब्लीड वाल्व लगा होता है। ये एयर ब्लीड वाल्व आपका एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, ओके, ये डिपेंड करेगा कि बॉयलर का डिजाइन और उसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक को समझने के लिए यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम बना है जहाँ पर ये बॉयलर का जो है वो फर्नेस हो गया। ये यहाँ पर पूरा डायग्राम नहीं है क्योंकि हमें जो मेन इसको समझने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उसी के बारे में यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। जैसे हमें बॉयलर फर्नेस चाहिए, कोल आपका जो फीडिंग सिस्टम है वो आपका हो गया, तो ये विंड बॉक्स हो गया जहाँ पर आपका PA का एयर आता है और यही आपका बेड मटेरियल को फ्लूडाइज करता है, ओके। तो देखिए ये हमारा विंड बॉक्स हो गया, इसी विंड बॉक्स में आपका ब्लीड ऑफ वाल्व लगा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है इसका, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एयर ब्लीड वाल्व या CO वेंट, तो पहले नाम को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए एयर का मतलब नॉर्मली जो एयर हो गया, जो एयर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, ब्लीड का मतलब होता है किसी चीज़ को निकालना और वाल्व का मतलब होता है जो ये वाल्व है, यानी कि एक ऐसा वाल्व जो एयर को निकालता हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एयर ब्लीड ऑफ वाल्व, या इसका नाम CO वेंट भी है। क्यों? तो CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और वेंट का मतलब होता है जैसे आपका नॉर्मल जैसे ड्रम में आपका एयर वेंट लगा होता है तो क्या एयर को रिलीज करने के लिए रहता है, ठीक उसी तरह यहाँ पे CO वेंट इसका नाम है, मतलब है कि ये CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को वेंट करने के लिए ये वाल्व को लगाया गया है। बाकी अब आगे हम लोग ये समझते हैं कि ये जो एयर ब्लीड ऑफ वाल्व लगा होता है वो क्यों लगा होता है, उसका पर्पज क्या है। तो देखिए ये हमारा नॉर्मल जो है वो फर्नेस हो गया, इस फर्नेस में यहाँ पर आपका बेड मटेरियल होता है, PA का एयर हम लोग देते हैं। हमारा मान लीजिए कि बॉयलर जो है वो नॉर्मल ऑपरेशन में चल रहा है, ठीक है, आपका बेड फ्लूडाइज हो रहा है, कंबशन हो रहा है, हम यहाँ से कोयला फीडिंग कर रहे हैं, जो आपका पॉजिटिव एयर जा रहा है और जो फर्नेस में जो ड्राफ्ट हम लोग जो मेंटेन किया उससे फ्लू गैस जो है वो निकलता जा रहा है। ये आपका एक नॉर्मल ऑपरेशन होता है जिससे आपका स्टीमिंग होते रहता है, स्टीम जनरेशन होते रहता है। लेकिन सपोज कीजिए कि किसी भी कारण से यदि ये बॉयलर अगर बंद हो गया, यानी कि जो हमारा यहाँ पर फ्यूल है यानी कि जो कोयला है वो जल रहा है और जलने के लिए हमें क्या चाहिए, एयर चाहिए, ठीक है। तो यदि वो एयर जो है वो जाना बंद हो जाए, अब एयर कैसे जाना बंद हो सकता है, तो ये जो आपका PA एयर ही ये आपको एयर सप्लाई कर रहा, फ्लूडाइज कर रहा, तो जो कि कंबशन में भी उसको मदद कर रहा, तो अगर ये आपका PA का अगर एयर नहीं जाएगा तो क्या होगा, कंबशन वहां पर नहीं होगा। एक तो आपका ये दोनों अगर PA फैन बंद हो जाए तो एयर नहीं जाएगा, या आपका दोनों यदि ID फैन ट्रिप हो जाए तो बॉयलर आपका पूरा इंटरलॉक में रहता है, सारा आपका ड्राइव बंद हो जाएगा, उस केस में भी एयर नहीं जाएगा। या किसी कारण से आपका बॉयलर ट्रिप हो जाए या आपका प्लांट में ब्लैकआउट हो जाए तो उस केस में भी आपके फर्नेस में जो है वो एयर नहीं जाएगा, लेकिन फ्यूल तो कुछ समय अमाउंट में आपका चला गया है पहले ही, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो फ्यूल चला गया है और जैसे ही एयर स्टॉप हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी फ्यूल को जलने के लिए एक सर्टेन अमाउंट में मिनिमम आपका एयर जो है
वो तो रिक्वायरमेंट होती ही है, जिसे साइकोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। और इससे हम लोग ज़्यादा ही एयर को सप्लाई करते हैं ताकि वहाँ कंप्लीट कम्बशन हो सके, वहाँ कोई भी अनबर्ट ना बचे, वहाँ पर कोई भी CO का फॉर्मेशन ना हो। तो होता क्या है एक्चुअली कि अगर ये हमारा ड्राइव स्ट्रिप हो गया, फैन ट्रिप हो गया, तो एयर नहीं गया, फ्यूल पहले ही जा चुका है, तो वो जो फ्यूल है वो पूरी तरह से जला नहीं होगा। वहाँ पर क्या होगा, अनबर्न का फॉर्मेशन हो गया होगा, वहाँ पर CO का फॉर्मेशन हो गया होगा। जैसे कि हम लोग फ्यूल में जानते हैं कि हमारा कार्बन होता है, और यदि कार्बन अगर इनकम्प्लीट एयर के साथ अगर आपका कम्बशन करेगा, ठीक है, उसके साथ अगर कंबाइन होगा तो वो बनाता है आपका CO, ठीक है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इसे पूरा ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ये CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हानिकारक नहीं होता। लेकिन अगर ये CO बना देगा तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव गैस होता है। इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि यदि इसका ह्यूज अमाउंट में अगर आपका फॉर्मेशन हो गया फर्नेस में, तो वो किसी भी तरह बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जहाँ कहीं भी उसको रास्ता मिलेगा वो वहाँ से निकलना चाहेगा। CO जो गैस होता है वो एक भारी गैस होता है, साथ में आपका जो है वो जो है एक एक्सप्लोजिव गैस है, हाईली एनर्जेटिक गैस है, ठीक है। कहते हैं ना, मंजिल अपनी रास्ता खुद बना लेती है। ठीक, CO गैस इतना ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, वो अपना रास्ता, निकलने का जो रास्ता है वो खुद बना लेती है। उसे जिधर से भी रास्ता मिलेगा वो उधर से निकल जाएगा। अगर पहले वो देखेगा कि किधर उसको निकलने का सही रास्ता मिल रहा, अगर अब ऊपर से निकलने का मिल रहा तो ठीक है, चला जाएगा। अगर उसे कहीं कमजोर पार्ट मिल रहा तो वहां से निकल जाएगा, या इसको नोजल से निकलने का अगर जगह मिल रहा तो नोजल से निकल के ये विंड बॉक्स में आएगा। और इसी विंड बॉक्स से हमारा क्या होता है, जो CO वेंट है वो अटैच रहता है, और यहां से ये जैसे ही आपका CO आता है और ये खुले हुआ कंडीशन में रहता है। इसका भी एक लॉजिक होता है कि जब कभी अगर आपका दोनों PFN अगर बंद हो जाता है, यानी कि आपका पूरा एयर फ्लो आपका जाना बंद हो गया, तो उस केस में आपका जो ये CO जो वेंट है वो पूरे तरीके से ओपन हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे CO अगर फॉर्मेशन हुआ है तो वो CO भी निकल जाएगा, साथ में आपका जो फेन रोटेशन में है तो सम अमाउंट ऑफ एयर भी जा रहा, तो वो एयर जो है वो भी आपका निकल जाए। क्योंकि कभी भी अगर बॉयलर बंद हो जाता है तो उस केस में आपका फर्नेस में भी एयर नहीं जाना चाहिए। तो इसका एक पहला काम तो ये हो गया कि CO का रिलीज करता है, दूसरा जो है वो यहाँ से जो एयर जो जा रहे हैं उसको भी वो आपका, यदि ये बॉयलर बंद है तो उसको भी वो रिलीज कर देता है। क्यों रिलीज कर देता है, और अगर आपका एयर जो है वो चला जाएगा तो क्या प्रॉब्लम करेगा, उसको भी यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जब इनकम्प्लीट कम्बशन हुआ था तो क्या बना था, कार्बन मोनोऑक्साइड बना था। अब हमारा जैसे ये बॉयलर बंद हुआ तो इसमें ऑलरेडी फ्यूल जा चुका है। ओके, अब इस CO को कम्प्लीट कम्बशन होने के लिए क्या चाहिए, सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि आधा भी अगर उसे ऑक्सीजन मिलेगा तो वो पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही हमारा पर मान लीजिए यहाँ पे अनबर्न्ड अवेलेबल है, हो सकता है यहाँ पे CO भी अवेलेबल है, ठीक है, तो CO भी है, अनबर्न्ड है, यानी कि कुछ फ्यूल जो है वो नहीं जला है। तो अब जैसे ही अगर मान लीजिए ये सब कुछ अगर बंद रहेगा और यहाँ से एयर जो है वो जा रहा है, ठीक है, तो जैसे ही ये एयर जाएगा तो CO क्या करेगा कि देखेगा, अच्छा एयर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, थोड़ा सा वो एयर ले लेगा, और साथ में जो अनबर्न्ड वाला जो है वो भी एयर ले लेगा, ठीक है, उसे भी। तो जो अनबर्न्ड को मिला, यानी जो फ्यूल पूरी तरह से नहीं जल पाया है, वो फिर से थोड़ा बहुत जलना चाहेगा, या जो फ्यूल जा चुका है वो और जलना चाहेगा, लेकिन पूरी तरह से तो कम्बशन होगा नहीं, जिसके वजह से वहाँ पे CO का फॉर्मेशन और ज़्यादा होगा, ह्यूज अमाउंट में होगा। साथ में जिस CO का फॉर्मेशन हो चुका है वो CO क्या होगा, वो अब जलना चाहेगा, क्योंकि वहाँ पर हीट ऑलरेडी है, अब बस उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो जैसे ही CO को ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जैसे इसको हाफ O2 मिल जाएगा, ठीक है, यानी थोड़ा अमाउंट में ही इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, यानी कि ये एक्सप्लोजन के साथ जलेगा, ठीक, और इतना ज़्यादा एनर्जेटिक अमाउंट में ये जलेगा कि उस केस में आपका पूरा फर्नेस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और वहाँ से फ्लू गैस निकालना जो होता है वो भी मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में वो जहाँ मन किया वहाँ पर वो फाड़ के जो है निकल जाएगा, जो कि एक एक्सप्लोजन का कारण बनता है। अच्छा, इसलिए कभी भी आपका अगर इसमें आपका बॉयलर अगर सडनली बंद होता है
तो उस केस में सडनली आपका बॉयलर जो है वो स्टार्ट नहीं किया जाता, वहां पर आपका फर्नेस पर्जिंग किया जाता है ताकि जो भी आपका सीओ जो है वो पहले रिलीज हो जाए, आपके फर्नेस में फ्रेश एयर चला जाए, उसके बाद ही बॉयलर को लाइन में लिया जाता है। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे और साथ में इसका क्या इंटरलॉक होता है उसको भी देखते हैं। तो इस ब्लीडर वाल्व का आपका दो काम हो गया, एक चीज है कि ये सीओ को रिलीज कर दिया अगर यहाँ पे सीओ का फॉर्मेशन हुआ है, साथ में यहाँ पर जो भी अगर एयर अगर सम अमाउंट में एयर अगर जा रहा तो उसको भी आपका जो है वो रिलीज कर देगा। साथ में एक और एक्सीडेंट क्या हो सकता है कि जो फ्यूल यहाँ पर रह गए हैं जिनका कंप्लीट कम्बशन नहीं हुआ है, वो जो फ्यूल यहाँ पर चला गया है, अब उसको जैसे ही थोड़ा बहुत एयर मिलेगा तो वो जो जलना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर क्लिंकर बनने का भी चांसेस जो है वो बढ़ जाता है, क्लिंकर भी बन सकता है। तो एक तो सीओ पहले से प्रेजेंट है, साथ में आपका इनकम्प्लीट कम्बशन होगा तो सीओ का और फॉर्मेशन होगा तो सीओ और भी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएंगे तो एक्सप्लोजन का खतरा बढ़ेगा, साथ में आपका क्लिंकर बनने का भी खतरा बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो भी एयर जा रहा उसको एयर को रिलीज करना भी जरूरत है, साथ में यदि यहाँ पर जो सीओ का फॉर्मेशन हुआ है वो जो विंड बॉक्स में आता है वो भी इस ब्लीडो वाल्व के जरिए सीओ वेंट के जरिए वो बाहर निकल जाता है। इसलिए इसके काम के अनुसार ही इसका नाम पड़ा है एयर ब्लीडो वाल्व, यानी कि ये एयर भी निकालता है और ये सीओ निकालता है, इसलिए इसे सीओ वेंट भी कहा जाता है। ठीक है, जहां कहीं भी आपका अगर इस जगह पे लगा होता है एपीएच आउटलेट के बाद तो वहां पर सीओ वेंट भी इसको कहा जाता है। दोनों का पर्पज जो होता है वो सेम ही होता है, अगर यहां पर भी लगा देंगे तो इसका जो पर्पज है वो आपका सिर्फ यही रहता है कि इसको जो सीओ है और जो एयर है उसे रिलीज करना, ताकि हमारा फर्नेस जो है वो एक्सप्लोजन के केस में ना जाए, एक्सप्लोजन से वो सेफ रहे। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि अगर पीएफएन अगर दोनों ट्रिप हो जाता है या किसी भी कारण में अगर पूरा बॉयलर ट्रिप हो जाए या ब्लैकआउट आ जाए तो उस केस में आपका ब्लीडो वाल्व जो है वो इंटरलॉक में रहता है, यानी कि जैसे ही इसने देखा कि ये दोनों पीएफएन बंद हो गए हैं तो ये पूरी तरह से खुल जाएगा। ठीक इसके अपोजिट जैसे ही यदि हम लोग इसके स्टार्ट करेंगे और ये देखिएगा कि हमारा दोनों पीएफएन स्टार्ट हो गया है या कोई भी एक पीएफएन स्टार्ट हो गया है, साथ में एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर का फ्लो जा रहा है और उस फ्लो के कुछ सेकेंड बाद या कुछ मिनट बाद, जैसे 3 मिनट बाद या 5 मिनट बाद, जो हमारा ये वाल्व जो है वो ऑब्जर्व करेगा, वो देखेगा कि हाँ यहाँ पे एयर फ्लो जा रहा, उसके बाद ही इसमें लॉजिक रहता है कि ये बंद हो जाए। यानी कि कोई भी पीएफएन चलता रहा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनिमम फ्लो है वो आपके बॉयलर के डिजाइन या आपके बॉयलर की कैपेसिटी के अनुसार होगा और सम अमाउंट ऑफ ये टाइम डिले दिया जाता है, इसके बाद ही ये जो वाल्व है वो बंद हो जाता है। अब ये टाइम डिले क्यों दिया रहता है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। देखिए जैसे ही हमारा ये फर्नेस बंद हुआ था तो हो सकता है कि वहां पर आपका सीओ का फॉर्मेशन हुआ है, अनबंड वहां पे बच गया, तो जैसे ही अगर हम इस ड्राइव को स्टार्ट करेंगे एयर अंदर जाएगा तो वहां पर क्या होगा, सीओ जो है वो जलना चाहेगा। ठीक है, तो एक तो वहां पे ऑलरेडी सीओ का फॉर्मेशन, अब हमें तो नहीं पता कि कितना सीओ वहां पे अंदर में प्रेजेंट है, तो यहां पर तो ऑलरेडी एक सीओ प्रेजेंट है, साथ में उसी टाइम अगर हम तुरंत फ्यूल फीडिंग कर दिए तो सीओ के साथ आपका फ्यूल भी जलने लगेगा, जो कि और भी ज्यादा उसको एक्सप्लोड करेगा, और भी ज्यादा उसको एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो वहां पर और भी ज्यादा खतरा होगा कि वो एक्सप्लोजन के साथ जले और वहां पर भी एक बॉयलर एक्सप्लोजन का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये टाइम डिले दिया रहता है ताकि हमारा पीएफ फ्लो जाकर फर्नेस ड्रॉप जो नेगेटिव रहता है उससे वो मेंटेन करके हमारा बॉयलर में जो है वो फ्रेश एयर जाकर जितने भी सारे अगर सीओ वहां पर कुछ बचे हुए हैं, कुछ इनग्रेस किए हुए हैं, कुछ बने हुए हैं, वो आपका फर्नेस से पूरी तरह से रिलीज हो जाए, यानी कि कह सकते हैं कि हमारा फर्नेस एक तरह से पर्जिंग हो जाए। अच्छा, तो इसलिए ये टाइम डिले दिया जाता है, इसी के बाद ये वाल्व बंद होता है और फिर आप अपना नॉर्मल जो कोल फीडिंग करते हैं। इसलिए किसी भी कारण से ये जो टाइम जो डिले है इसको बाईपास नहीं करना चाहिए, अगर ये बाईपास करते हैं डेट मीन्स आप रिक्स जोन में हो और कभी भी जो है वो बॉयलर जो है वो एक्सप्लोड कर सकता है, क्योंकि जब कभी अगर आपका बॉयलर ट्रिप हो जाता है तो आपका स्टीम जनरेशन रुक जाता है। ठीक है, वो स्टॉप हो जाता है, यानी कि आपका पावर भी एक तरह से लॉसेस हो रहा है, तो ऊपर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होती है, वो हर जगह होती है कि इसे जल्दी स्टार्ट करना है, जल्दी भी किसी तरह ये आपका कोल फीडिंग करके हमारा जो स्टीम जनरेशन है उसको स्टार्ट करना है। तो अगर ये टाइम का लॉजिक ना रहे, टाइम डिले ना रहे, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही अगर सारे ड्राइव स्टार्ट कर दिए, पीएफएन स्टार्ट कर दिए, तो
उस केस में तुरंत कूल फीडिंग भी स्टार्ट कर दिया जाएगा ताकि वहाँ पर जल्दी से जल्दी स्टीम जनरेशन हो सके, लेकिन वहाँ पर खतरा भी उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि अंदर हो सकता है कि CO प्रेजेंट हो, और अगर CO ह्यूज अमाउंट में होगा और उसके जगह फिर हम लोग कोयला भी अगर फीड कर दें तो वो एक एक्सप्लोजन का कारण बन सकता है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ नजरिए से ये टाइम डिले काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए इसे बाईपास कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए, स्टीम जनरेशन हो या पावर जनरेशन है ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन इससे पहले जो ज़रूरी है वो है सेफ्टी। तो सेफ्टी सबसे पहले चीज़ है, पहले आपको सेफ्टी देखनी है, उसके बाद ही अपने बॉयलर को लाइन में लेना है, ठीक है। तो इसीलिए ये एयर ब्लीड वाल्व या CO वेंट दिया रहता है ताकि आपका बॉयलर जो है वो एक्सप्लोजन से यानी कि CO से वो सेफ रहे, CO के वजह से वहाँ पर कोई एक्सप्लोजन ना हो। ABC में भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, और उस अलग अलग कंपार्टमेंट में आपका इस तरह से जो है वो एयर ब्लीड वाल्व या CO वेंट दिया रहता है, ठीक है। उसका भी सेम पर्पज है, जब कोई कंपार्टमेंट अगर लाइन में नहीं होता है तो वो उस कंडीशन में आपका खुल जाता है, वो भी आपका एयर फ्लो के साथ इंटरलॉक रहता है। कुछ इंटरलॉक्स अलग हो सकते हैं, लेकिन मेन पर्पज वही होता है कि आपका अगर एयर फ्लो जो है अगर वो नहीं जा रहा है, डेट मीन्स वो ओपन कंडीशन में रहेगा अगर वो लाइन में नहीं है तो, ठीक है। साथ में आपका किसी कारण से अगर वो हमारा पूरा बॉयलर अगर ट्रिप हो जाता है या अगर FD फैन ट्रिप हो जाता है दोनों, तो उस केस में भी आपका एयर ब्लीड वाल्व खुल जाता है, जिसके वजह से जो भी एयर जा रहा है वो ना जा पाए। साथ में आपका जो CO का यदि फॉर्मेशन हो रहा है तो वो भी वहाँ से रिलीज हो जाए। तो जहाँ कहीं भी किसी भी बॉयलर में अगर लगा हुआ है तो सेम पर्पज है, यानी कि CO से बचाने के लिए, बॉयलर को एक्सप्लोजन से बचाने के लिए। तो आई होप कि आज का जो ये टॉपिक था वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।